जी हाँ, बेस मॉडल की सीट में ही हमने हेडरेस्ट भी इंस्टॉल सबसे करा दिया खासी जो हमने इसके अंदर लगाई है, इसका ये ओरिजिनल वाला आर्मरेस्ट हमने लॉक करते ही साइड मिरर फोल्ड हो जाते हैं और अनलॉक करते ही साइड मिरर अनफोल्ड जो लगाया है। साथ में लगाया है ये 360 डायनेमिक कैमरा की गोलाइयाँ दोनों साइड की, आपको राइट और लेफ्ट की दोनों ये जो देखने स्ट्रिप को। है ब्लैक कलर की आई थी, इसको हमने पूरी तरह से हाइड्रो डिपिंग करके सिल्वर कलर में कन्वर्ट किया, और इसके अंदर हमने ब्रेजा साइड मिरर 2023 ऑटो जी हाँ फोल्ड ब्रेजा कराया है। 2023 पार्ट वन तो आपने देखा था, ये है ब्रेजा 2023 का पार्ट टू। गाड़ी पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर दी है, नंबर प्लेट इसके अंदर लग चुकी है, साइड मिरर ऑटो फोल्ड इसके अंदर आए नहीं थे हमने, लेकिन इसके अंदर साइड मिरर ऑटो फोल्ड लगाए हैं इन्हीं शीशों में, मोटर इंस्टॉल करके। डोर वाइजर आप देख रहे हैं, विंडो गार्निश देख रहे हो भाई, 360 कैमरा पिछली सीट के अंदर। जी हाँ, पिछली सीट के अंदर हमने हेडरेस्ट भी इंस्टॉल किए हैं। पूरा इंटीरियर मैं दिखा दूँगा आपको, खोल के गाड़ी को करा हमने ओपन, और ये देखिए पूरे डोर में हमने कर दिया है कमाल। ये ब्लैक वाली जो पट्टी आती है इसको हमने सिल्वर हाइड्रो डिपिंग कराई है, पैनल कराए हैं हमने इसके अंदर ब्लैक कलर से हाइड्रो डिपिंग, इनर क्रोम हैंडल लगा दिए हैं टॉप मॉडल वाले, टूटर के अंदर खाली टूटर नहीं छोटा टूटर के अंदर हमने टूटर लगाए हैं जेल ऑडियो के, डैशबोर्ड भी पूरी परफेक्शन के साथ देख रहे हैं हमने, सीढ़ी वगैरह सब चीज़ इंस्टॉल किया है हर चीज़ गाड़ी में, और पीछे हमने सीट में हेडरेस भी लगाए हैं। गाड़ी LXi मॉडल है और पूरा काम परफेक्शन। 2023 के अंदर हमने साइड मिरर के अंदर ही ऑटो फोल्ड की मोटर लगाई है। जी हाँ, चाबी को देख के पता चल जाएगा ये LXi वेरिएंट है। लॉक करते ही साइड मिरर फोल्ड हो जाते हैं और अनलॉक करते ही साइड मिरर अनफोल्ड है। हमने इसके अंदर हमने साइड मिरर फोल्ड जो किए हैं उसमें हमने ब्रांड न्यू शीशे नहीं लगाए हैं, इन्हीं जो मिरर्स थे इन्हीं मिरर्स के अंदर ही हमने ऑटो फोल्ड की मोटर इंस्टॉल कर दी है, जो पूरी परफेक्शन के साथ काम कर रही है, और स्विच भी पूरी तरीके से लगाया है। लॉक करते ही साइड मिरर फोल्ड हो जाते हैं, अनलॉक करते ही अनफोल्ड हो जाते हैं। ब्रेजा के पैनल हाइड्रो डिपो के आ गए, देख रहे हैं ये पार्ट हमने इसमें ये सिल्वर कराया जो एकदम स्लीक फिटिंग के साथ है, और ये पावर विंडो की जो प्लेटें हैं इसको हमने हाइड्रो डिप करके पियानो ब्लैक में कन्वर्ट कराया, तो बहुत ही अच्छा काम जो हमने इसके अंदर किया करके दिखा दूँ। देख रहे हैं ये पहले जो पैनल थे ये पहले मैट फिनिश के अंदर थे और अब ये पियानो ब्लैक हो के आ गए, और क्वालिटी फिटिंग एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी, तो ये चीज़ जो हमने इसके अंदर की है पूरे तरीके से। दूसरा डोर ट्रिम भी इसको हम पैक कर रहे हैं, ये भी इसमें भी हो रहा है, तो बेस मॉडल है LXi, लेकिन इसमें देख रहे हैं आप हेडरेस्ट। जी हाँ, बेस मॉडल की सीट में ही हमने हेडरेस्ट भी इंस्टॉल करा दिया है, हेडरेस्ट भी इसके अंदर प्रॉपर फिटिंग के लिए लग गया, और ये MGP के जेन्युइन हेडरेस्ट है जो हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है। ये सबसे भी खास चीज़ जो हमने इसके अंदर लगाई है, इसका ये ओरिजिनल वाला आर्मरेस्ट हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया, जो पूरी परफेक्शन के साथ देख रहे हैं लगाया गया है, और इसके अंदर आपको स्टोरेज का भी ऑप्शन मिल जाता है। परफेक्शन, ओरिजिनलिटी और पूरा कंफर्ट लेवल इसके अंदर आपको मिलेगा। ये ब्रेजा का 2023 मॉडल है जिसमें ये आर्मरेस्ट MGP का ओरिजिनल है और विद इंस्टॉलेशन साथ हमने आ गया है। ब्रेजा 2023 मॉडिफिकेशन का पार्ट टू, जिसमें हमने नाकामिच की डैम्पिंग JLRDO के कंपोनेंट लगाए थे, स्टीयरिंग कंप्लीट हमने चेंज किया था। आज हम जो इसके अंदर काम कर जा रहे हैं, हाइड्रो डिपिंग, पैनल वुडन और बहुत सारी आइटमें जो इसको लगा के गाड़ी कंप्लीट करेंगे। 2023 हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और ये इसका पार्ट टू है। पहले हमने आपको इसका पार्ट वन दिखाया था जिसमें ये गाड़ी तैयार होती दिखाई थी, अब ये गाड़ी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने ये टॉप मॉडल वाला कंप्लीट स्टेयरिंग लगाया है, जिसके अंदर आपको ये ब्लूटूथ के बटन भी मिल जाते हैं। पूरी परफेक्शन के साथ स्टेयरिंग लगाया, साथ में हब लगाया, जेन्युइन ब्रांड न्यू बॉक्स पैक लगाया, और इसके अंदर ये आपको लेदर रैपिंग भी देखने को मिलती है, जिसकी स्टिचिंग की क्वालिटी आपको देखने से पता चलेगी। स्टीरियो हमने इसके अंदर लगा दिया है एंड्रॉयड स्टीरियो, जो एक 360 कैमरे के साथ एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वाला स्टीरियो है। बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊंगा ऑन करके आपको मैं। एंड्रॉयड स्टीरियो के साथ साथ हमने इसके अंदर USB पोर्ट भी लगाया, देख रहे हैं ये USB पोर्ट इसमें लग के आता नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमने ये जेन्युइन वाला USB पोर्ट भी लगाया, जो पहले ये कैप लगी हुई थी देख रहे थे इसकी जगह, और अब हमने ये ओरिजिनल USB पोर्ट भी इसके अंदर इंस्टॉल लगाया है। साथ में लगाया ये 360 डायनेमिक कैमरा,
जी हाँ, 360 कैमरे की क्वालिटी, क्लैरिटी, फिटिंग, एक्यूरेसी, हर चीज़ आप देख सकते हो कि किस तरह से हर चीज़ पूरी परफेक्शन से लगाई गई है। और इसके अंदर जो हमने चीज़ें लगाई हैं वो भी बताता हूँ। सबसे खास इस स्टीरियो के अंदर जो है ये 360 कैमरा, जिसमें आपको ये पीछे का व्यू, ये फ्रंट का व्यू, ये राइट, ये लेफ्ट, ये दोनों साइडों के व्यू आपको देखने को मिलते हैं। और दोनों साइडों के व्यू मैं दिखाता हूँ आपको कि जब हम स्टेयरिंग मोड़ते हैं मिल जाता है, रियर का व्यू मिलता है, राइट का, लेफ्ट का, और दोनों साइडों के व्यू इसके अंदर मिल जाते हैं। दोनों साइडों में दिखा दूँ, जैसे कि हमने दिखा दूँ आपको मैं कि इसमें हम 2D करते हैं और हमने ये राइट का व्यू किया, तो आप जहाँ ध्यान रखिए मैं टायर को मोड़ूंगा, देख रहे हैं इसके अंदर ये टायर भी मुड़ते हुए दिख रहे हैं। तो पूरी चीज़ें परफेक्शन के साथ दिख रही हैं। और जब हम 3D में इसको करते हैं या दोनों साइडों में करते हैं, तो दोनों साइडों में जब टायर मुड़ेंगे तो टायर की गोलाइयाँ आपको दिखेंगे। देख रहे हैं ये टायर की गोलाइयाँ दोनों साइड की, आपको राइट और लेफ्ट की दोनों देखने को मिलती है। और जिससे आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी में जो कैमरा है 360, पूरी तरह से उसको प्रोग्राम किया गया, पूरी तरह से मैच किया गया, पूरी परफेक्शन से उसको लगाया गया। तो हर चीज़ लगाने में एक बहुत बढ़िया चीज़, बहुत बढ़िया यूनिट जो हमने इसके अंदर लगाया। और इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग आपको देखने को मिलती है, गूगल मैप, एप्पल स्टोर, हर चीज़ परफेक्शन के साथ आपको मिल जाए। और जो गाड़ी में सबसे ज़्यादा खास काम किया दिखा दूँ, जो इस गाड़ी का हमने इंटीरियर किया दिखा दूँ, इसमें साइड मिरर फोल्डिंग किट नहीं आई थी, तो इसके अंदर हमने ओरिजिनल साइड मिरर फोल्डिंग किट लगाई है। साथ ही के साथ इसमें पियानो फिनिश वाला हमने ये पैनल भी इसके अंदर लगाए हैं, जो पूरी परफेक्शन के साथ लगाए गए हैं। चारों पावर विंडो के पैनल को हमने पियानो ब्लैक किया, इधर का भी दिखा दूँ और ये लेफ्ट साइड का दिखा दूँ, पूरे पैनल को हमने पियानो ब्लैक किया। और डैशबोर्ड में पियानो ब्लैक नहीं किया, लेकिन हमने डोर्स के अंदर ये पार्ट भी हमने इसके अंदर सिल्वर किया है। देख रहे हैं ऊपर का ये जो पार्ट है इसको हमने सिल्वर कर दिया, नीचे के पार्ट को हमने पियानो ब्लैक किया। इसी तरह डैशबोर्ड के भी जो पैनल है इसको हमने सिल्वर पार्ट में कन्वर्ट किया, ये ब्लैक पार्ट आते हैं। ये पूरे की पूरे सिमिलैरिटी बनाने के लिए इस पार्ट को और इस पार्ट को भी हमने हाइड्रो डिपिंग में सिल्वर कन्वर्ट किया। डोर्स के अंदर हमने ये साइड में ऑटो फोल्ड लगाए, दिखा दूँ मैं आपको ये जो पूरी तरह से काम करते हैं। इसमें ऑटो फोल्ड लग के नहीं आए थे, लेकिन हमने इन्हीं मिरर्स के अंदर ऑटो फोल्ड मिरर लगाए हैं, पूरी परफेक्शन के साथ चीज़ को इंस्टॉल किया है। स्टेयरिंग कंट्रोल लगाए, गियर बूट लगाया, और भी बहुत सारी चीज़ें स्टीरियो के साथ साथ USB पोर्ट भी इसके अंदर हमने इंस्टॉल 100% मारुति के जेन्युइन इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं, जो पूरी परफेक्शन के साथ। विंडो गार्निश भी बहुत अच्छी क्वालिटी की हमने इसके अंदर विंडो गार्निश इंस्टॉल किया, लगाई है पूरी परफेक्शन के साथ। विंडो गार्निश लगा के गाड़ी को हमने पूरी तरह से कंप्लीट किया, फ्रंट रियर हर तरफ से गाड़ी को हमने। 2023 में स्पेशल लगाई गई है ये डिक्की लाइट, जो एक MGP का ओरिजिनल पार्ट है, परफेक्ट फिटिंग वायरिंग के साथ लगाई गई है और एकदम एक्यूरेसी वाली जगह पर इसको इंस्टॉल किया गया। अगर आप भी चाहते हैं डिक्की लाइट लगाना तो आ जाओ मेरे भाई। इज़ा LXi 2023 में पहले ये वाला स्टेयरिंग आप देख रहे हो लग के आया था, जिसे रिमूव करके हमने लगाया है ये स्टेयरिंग। जी हाँ, MGP का ओरिजिनल स्टेयरिंग, ब्रांड न्यू बॉक्स पैक, जिसमें स्टेयरिंग ऑडियो कंट्रोल, ब्लूटूथ के बटन, और आपको पूरा का पूरा स्टेयरिंग नया विद लेदर रैपिंग के साथ। देख रहे भाई, परफेक्शन किसे कहते हैं, लेदर रैपिंग किसे कहते हैं, और जेन्युइनिटी किसे कहते हैं। पूरा स्टेयरिंग चेंज किया है विद हब के साथ। मजा ट्रे भी जो इसमें लगाई गई है बिल्कुल 00 फिटिंग वाली, MGP का ओरिजिनल पार्ट है, पूरी परफेक्शन के साथ, और ओरिजिनल पार्सल ट्रे, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको भी लगाने के अंदर देखेंगे तो हमने लगाए हैं ये ओरिजिनल इनविक्रोम हैंडल। ये जो स्ट्रिप है ब्लैक कलर की आई थी, इसको हमने पूरी तरह से हाइड्रो डिपिंग करके सिल्वर कलर में कन्वर्ट किया। और इसके अंदर हमने साइड मिरर ऑटो फोल्ड भी लगाया, क्योंकि वो नहीं थे। पूरे पैनल को हाइड्रो डिपिंग किया, और ये जो जगह देख रहे हैं इसमें हमने GL ऑडियो के ओरिजिनल ट्यूटर इसके अंदर ही इनबिल्ट लगा दिए। तो भाई गाड़ी को तो टॉप मॉडल बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी।